दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं ये एक बल्ब है अपने पास, एक 5 वोल्ट का बल्ब है, इसके साथ बताऊंगा आपको कैसे गाड़ी रिपेयर करोगे। पहले मैं आपको गाड़ी की कंडीशन बताता हूं। देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही और अपने यहाँ इंजन लाइट आती है जो मीटर के अंदर, वो भी नहीं आ रही, और गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो हम इसमें करंट चेक करेंगे इंजन रूम में कैसे करेंगे। तो हम आगे चलते हैं गाड़ी के इंजन रूम में। सबसे पहले देखो, ये अपनी 4 इंजेक्ट कॉयल्स हैं और इसके नीचे इंजेक्टर लगे हुए हैं। सबसे पहले हम ये कॉयल्स का करंट चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें चारों कॉयलों के कपलर खोलने हैं। कपलर खोलने के बाद हम इसमें जो एक कपलर ले लेंगे, कोई भी इसमें से, इसमें हम ये कपलर ले लेंगे। इसमें जो ये वायर हैं, ये वाइट वायर करंट की वायर है और ये ब्लैक है, ये ग्राउंड है, और ये वायर है जो ग्रीन वाली, ये ECM से आती है। इसमें 5 वोल्ट का करंट आता है और इसमें 12 आता है और ये ग्राउंड है। सबसे पहले हम 12 वोल्ट वाला करंट चेक करेंगे भी ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ये करंट अपना तब आएगा जब गाड़ी की हम चाबी को ऑन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वायर लगा लेंगे पॉजिटिव में, फिर ये बीच वाला ग्राउंड है इसमें लगाएंगे। चाबी ऑफ कर, ऑफ कर। हाँ, ऑफ करने पे ऑफ हो गया, ऑन करो, थोड़ा पीछे ले लो, ऑन करने पे ऑन भी हो गया, यानी कि ये सप्लाई तो अपनी ओके है। चाबी बंद कर दो। अब हम क्या करेंगे, ECM वाली सप्लाई चेक करेंगे, ये ग्रीन वायर और ब्लैक में लगा के। तो इसके लिए हमें 5 वोल्ट का बल्ब चाहिए। वो बल्ब हमारा ये जो टॉर्च होती है, वो वाला बल्ब है अपना टॉर्च वाला, तो इसमें हम लगा लेंगे। यहाँ लगाएंगे वायर को और यहाँ लगे, ये करंट अपना तब आएगा जब हम क्रैंक मारेंगे गाड़ी में और ये बल्ब जलेगा। क्रैंक मारो, देखो क्रैंक मार रहे हैं लेकिन ये बल्ब जल नहीं रहा, यानी कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसके फ्यूज चेक करेंगे। इधर आ जाओ फ्यूज बॉक्स में, ये अपना कार का फ्यूज बॉक्स है, इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद इसमें जो ECM का जो करंट नहीं आ रहा, इसका अपना *1 का फ्यूज होता है, ये वाला *1 का फ्यूज होता है जी। ए फ्यूज का मतलब है ये गैसोलीन फ्यूज है, ये पेट्रोल का, देखो 15 एम्पीयर का FI1 का फ्यूज है ये वाला, ये *1 का 2 नंबर का फ्यूज, ये वाला फ्यूज है ये बड़ा। इसको हम चेक करेंगे, ये वर्न तो नहीं हो गया, ये देखो ये फ्यूज अपना वर्न हो गया, ये देखो उड़ गया फ्यूज ये अपना। तो इसकी जगह हम नया फ्यूज लगा देंगे। ये नया फ्यूज हमें कहाँ मिलेगा, ये अपने फ्यूज रहे इस, ये चिमटी इसके हिसाब से यहाँ से निकाल लेंगे नया फ्यूज, इसको लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम फिर दोबारा करंट चेक करेंगे गाड़ी में, अपना करंट आना शुरू हो गया है या नहीं हो गया। मतलब लग रहा है अपना, सेल्फ मारो, ये देखो ये अपना करंट आना शुरू हो गया है, यानी कि गाड़ी अपनी ओके हो जाएगी। अब लगाएंगे, बस बंद कर दो, ठीक है। अब हम कपलर लगा के फिर दोबारा चेक करेंगे गाड़ी में स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये जो वायरें हैं अपनी ECM से आती हैं, पीछे हो जाओ थोड़ा, ठीक है। अब हमने चारों कपलर लगा लिए, अब सेल्फ मारेंगे और स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आपको 2-4 और भी फ्यूज बताऊंगा जो अपने चेक करने हैं। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ, सेल्फ दो, रेस दो थोड़ी जी रेस, बस होगी स्टार्ट, स्टार्ट होगी अपनी गाड़ी, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 फ्यूज बताता हूँ इसके। बंद कर दो, एक तो फ्यूज आपको पता ही लग गया, अगर आपका इंजेक्टरों में करंट ना आए तो अपने *1 का फ्यूज चेक करना है। बाकी इसमें और भी फ्यूज हैं, ये अपना ST, ये अपनी स्टार्टिंग रिले होती है, ठीक है, इसको भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद अपना जो 50 एम्पीयर का इग्निशन का फ्यूज है, ये भी आपने चेक करना है। ये FP लिखा है, ये फ्यूल पंप का फ्यूज है, ठीक है, इसको भी चेक करना है आपने। और ये लिखा है 5 AST स्टार्टिंग, ये वाला भी आपने चेक करना है। इन ये सारे फ्यूजों में से कोई भी फ्यूज आपको खराब मिल सकता है। ये लिखा है ST स्टार्टिंग का, अगर सेल्फ नहीं ले रही तो ये फ्यूज भी खराब मिल सकता है। ये 40 एम्पीयर इग्निशन कॉयल का फ्यूज है, ये भी आपको खराब मिल सकता है, इसको भी आपने चेक करना है। बाकी ये फ्यूल पंप की अपनी रिले है, इसको अभी आपने चेक करना है। फ्यूल पंप की जो अपनी रिले है, ये भी खराब मिल सकती है आपको, ठीक है। बाकी एक अंदर वाले फ्यूज बॉक्स में छोटा फ्यूज बॉक्स लगा होता है ये वाला,
ठीक है। इसके अंदर भी तीन चार अपने फ्यूज होते हैं, ये देखो ST का फ्यूज लगा होता है, ठीक है। ये अगर उड़ जाएगा तब भी अपना स्टार्ट नहीं होगी, और ये लगा हुआ है 15 एम्पेयर IG का, अगर ये भी उड़ जाए तब भी, और एक ये लिखा 5 इग्निशन का फ्यूज है। ये तीन चार जो फ्यूज हैं इनको आप चेक कर लोगे तो आपकी गाड़ी ओके हो जाएगी भाई। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैंने अपने चैनल पे और बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उनको देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।